सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, इम्पोर्टेंट वेयर एक्ट है, जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। वन, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है, एंड टू, बिकॉज ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन में डील करते हैं, हमारी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो जाए, डे टू डे ट्रांजेक्शन हो जाए, उसमें हमें हेल्प करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बहुत जरूरी है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक ऑफर होती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर बनता है प्रॉमिस। जब इस वादे में कंसिडरेशन मिलता है, जब इस वादे में प्राइस ऐड हो जाता है, मनी या मनी की वर्थ ऐड हो जाती है, तो बनता है एक अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट उस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार के, या तो वो अग्रीमेंट अनइन्फोर्सिएबल, इन्फोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट को नॉक नॉक नहीं कर सकते, या फिर वो अग्रीमेंट होगा जो कि इन्फोर्स कराया जा सकता है, और वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, सेक्शन 2H कर लिया, उसके बाद हम लोगों को क्या समझना था कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी पार्टीज की एक दूसरे के प्रति। जैसे कि इन पार्टीज ने डिसाइड किया होगा कि तुम मेरे लिए ये करोगे और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ए की कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी और बी की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी। तो जब एक दूसरे के प्रति कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ एक्शंस करने होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस करना भी बहुत जरूरी होता है। और चैप्टर 4 जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस का शुरू किया था, तो हमने क्या शुरू किया, हमने सेक्शन 37 से शुरू किया और बात करी कि ऑब्लिगेशंस क्या होती है पार्टीज की। फिर अगर एक पार्टी रिफ्यूज कर दे, अटेम्प्टेड प्रॉमिस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने बात करी जॉइंट लायबिलिटीज के बारे में, जॉइंट प्रॉमिसेस के बारे में। Then we discuss कि कौन से वो लोग होते हैं जिनको परफॉर्मेंस परफॉर्म करनी होती है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कि किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस समय पे और किस प्लेस पे आपको परफॉर्म करना है। फिर हमने बात करी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, जब दो लोगों का एक दूसरे के प्रति प्रोमिसेस होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल एंड कंकरेंट प्रोमिसेस, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस एंड म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। इसको खत्म करने के बाद कल के लेक्चर में हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात करी, जिसका रिकैप अभी हम कुछ समय बाद करेंगे। बट अब आपको क्या समझना है, जब मैं अभी तक आपको बोल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस करनी होती है एक दूसरे के प्रति, अब क्या करना होता है, ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना होता है। अब मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डील करने वाली हूँ जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स पढ़ने जरूरी है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म नहीं करना है। ये वाला जो पोर्शन है, ये पर्सनली मेरा फेवरेट पोर्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और अपनी स्टेट का पीटी या फिर मेंस देने वाले हो, या फिर आप इंटरव्यू का पेपर लिखने वाले हो, तो बहुत जरूरी है कि आपको नॉलेज हो 62 से 67 के सेक्शंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो, लीगल एप्टीट्यूड का पेपर देने वाले हो, या फिर स्लैट का पेपर, आईलेट का पेपर, या कोई भी ऐसा पेपर देने वाले हो, तो भी आप लोगों के लिए जरूरी है ये टर्म्स को जानना। नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, ऑल्ट्रेशन क्या होता है, रेप्यूडेशन क्या होता है, रेवोकेशन क्या होता है, इन सबको समझना और एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे ना, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपको पहले से ही थोड़ी सी नॉलेज होगी। अगर आप एक LLB स्टूडेंट हो, तो आपको पता है सेमिस्टर एग्जाम में आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, उसमें ये वाला टॉपिक पक्का से पूछा जाता है। 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है, 10 और 20 मार्क्स का भी पूछा जाता है। तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग होना इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आज के कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं। हम लोग डील करेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं करनी है। सेक्शन 62 से 67 हम पढ़ेंगे, इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन भी करना जरूरी है कि इनको क्यों पढ़ना है। नोवेशन का क्या मतलब होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं सेक्शन 62 के, वो पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नोवेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है नोवेशन के बीच में और असाइनमेंट के बीच में, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन एन इलीगल अग्रीमेंट, अगर एक इलीगल अग्रीमेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ है इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है। अब इसमें नोवेशन का क्या एस्पेक्ट होगा वो पढ़ेंगे, कब वो नो नोवेशन होता है उसको समझेंगे। उसके बाद एक यूनिलैटरल एक्ट एक पार्टी की तरफ से हो तो क्या होगा, जैसे मिस्टेक में हमने पढ़ा था बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक, अब हम पढ़ रहे हैं यूनिलैटरल एक्ट अगर एक पार्टी की तरफ से हो।
पार्टीज की इंटेंशन कैसी होती है, रिसेशन का क्या मतलब होता है और डिफरेंस क्या होता है रिसेशन में और नोवेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। इसके बाद ऑल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है और नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, साथ साथ हमें डिफरेंशिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती रहती है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है। कंटेंट्स पढ़ेंगे, एक नोवेशन अग्रीमेंट में किस प्रकार के कंटेंट्स होते हैं, और फिर हम बेर एक्ट की जो सेक्शन है सेक्शन 63 से 67 को उनको भी कवर करेंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे पढ़ रहे हैं, पहले हम दो स्टेप बढ़ने से ज्यादा पहले हम क्या करते हैं, दो स्टेप पीछे आते हैं और रिकैप करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा था। और आपको पता है अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब आप सम ऑफ मनी को, कुछ पैसे को आप सेट असाइड करते हो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अप्रोप्रिएशन होता है, हमने डेटर क्रेडिटर और गारंटर या फिर श्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, श्योरिटी या फिर गारंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि डेटर जो वो बंदा होता है जिसने कुछ पैसा ओ करा था क्रेडिटर को, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन किसकी है, डेटर की है कि वो पैसा दे क्रेडिटर को। बट अगर डेटर इफ फेल्स तो क्या होता है, जो गारंटर होता है, जो गारंटर होता है वो पैसा दे देता है ये ऑब्लिगेशन को, वो कंप्लीट कर देता है। ये हम लोगों ने पढ़ा डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, आपको अपने जीवन में भी काम आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी काम आएगा, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करोगे तब भी काम आएगा, लॉ की प्रैक्टिस करोगे एज एन एडवोकेट तब भी काम आएगा, और अगर आप जजेस बन जाओगे तब भी आपके काम आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर करा, हम लोगों ने कवर करे सेक्शन और हमने बात करी अप्रोप्रिएशन जब किसके द्वारा होती है, अप्रोप्रिएशन बाय डेटर। तो बेसिकली जब डेटर को, डेटर ओ करता है L1, L2, L3 डेट्स, ये डेट्स को ये सेक्शन नंबर 59 बात करता है, तीन डेट्स को करता है और वो इंटीमेट करता है, वो इंडिकेट करता है या इंटीमेट करता है, इंडिकेट करता है क्रेडिटर को कि कौन से वाले लोन अकाउंट को डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे जैसे डिस्चार्ज करना है L1 को, तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, वो अगर एक्सेप्ट करता है तो बाद में उसको बाउंड रहना पड़ेगा इन टर्म्स के, वो बाद में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता बट वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। फिर हमने क्लेटन्स का केस पढ़ा, क्लेटन्स का केस पढ़ा, वो भी इसी के बारे में बात करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन क्लेटन्स के केस के ऊपर आ जाता है। सेक्शन 60 क्यों पढ़ा, जहां पे अप्रोप्रिएशन हो रही है बाय क्रेडिटर, जहां पे डेटर ने इंडिकेट नहीं करा वहां पे क्रेडिटर की मर्जी होगी कि वो कौन सी जगह पे अप्रोप्रिएट करेगा वो पैसा जो कि डेटर ने क्रेडिटर को दिया है, कौन से लोन अकाउंट में करेगा वो भी क्रेडिटर की मर्जी होगी। बट ध्यान क्या रखना है, ये सारे सेक्शंस कब काम आते हैं, जहां पे एक से ज्यादा डेट्स है, एक से ज्यादा डेट्स है, सिंगल डेट नहीं होना चाहिए, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो वो नहीं चलेगा, मोर देन वन डेट्स है और उसको आप आइडेंटिफाई क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अगर आप उन सेपरेट सेपरेट डेट्स के लिए अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है तो हम मानेंगे कि वो सेपरेट डेट्स है। सेक्शन 61 क्या कहता है, जहां पे ना तो डेटर बताता है और ना ही आपका क्रेडिटर बताता है कि अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, किसी ने नहीं बताया तो कौन बताएगा, लॉ बताएगा, और लॉ क्या कहता है, जो सबसे पहले वाला डेट है उसको आप पहले क्लियर करोगे। सेक्शन 61 इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके बारे में बात करी, क्लेटन्स रूल के बारे में बात करी, क्लेटन्स का केस मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करी, डेटर और क्रेडिटर के बारे में बात करी, श्योरिटी के बारे में बात करी, ये बात करी कि जब आपका एक बंदे के प्रति आपने देनदारी है, यू ओ सम मनी टू समवन, देन इट इज द पेयर हु विल डिसाइड कि कौन से लोन अकाउंट के अंदर आपका पैसा एडजस्ट किया जाएगा। बट अगर आप नहीं बताते हो तो सेक्शन 60 के हिसाब से कौन बताएगा, क्रेडिटर बताएगा। अगर क्रेडिटर भी नहीं बताता तो लॉ कहता है डोंट वरी, मैं तो बैठा हूं ना, मेरे हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा, सेक्शन 61 विल कम इनटू द पिक्चर।
तो क्या ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के लिए आपको 59, 60 और 61 को ध्यान रखना है। और जब भी आपको कोई डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप समझना है जहां पे मोर देन वन डेट की आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है, मोर देन वन डेट का अमाउंट है, तो आपको सेक्शन 59 से 61 के रूल्स को अप्लाई करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और अपनी मन मर्जी नहीं करनी है, विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से आपको काम नहीं करना है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ाई करी थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जिनको आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो आइए इनको देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो सेक्शन 56 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सबसिक्वेंट, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन। सेक्शन 62 क्या कहता है, जब पार्टीज अग्री कर जाती हैं कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को और रिसाइन करेंगी या फिर ऑल्टर करेंगी उसको, सेक्शन 62 के बारे में हम बात करेंगे अभी, या फिर जब व्हेन द प्रोमिसी डिस्पेंसेस विद या फिर रेमिट्स होल और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम और एक्सटेंड्स द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस या फिर एक्सेप्ट करती है सैटिस्फैक्शन में, तो सेक्शन 63 में पढ़ेंगे, जब प्रोमिसी या तो बोल देती है परफॉर्मेंस ही मत करो, या फिर कुछ पार्ट को बोल देती है ये वाला परफॉर्मेंस मत करो, या फिर टाइम को एक्सटेंड कर देती है, सेक्शन 63। 64 में हम पढ़ेंगे व्हेन एट द पर्सन एज हुज ऑप्शन इट इज वॉइडेबल वो रिसाइन कर देता है। वॉइडेबल का जब हमने मतलब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि वॉइडेबल का मतलब है जिस पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो इसको अवॉइड कर सके, और वो कौन सी पार्टी है, जो विक्टिम पार्टी है जिसका या तो कंसेंट हमने फ्री नहीं लिया था या फिर जो अग्रीव्ड पार्टी है, तो अगर उस पार्टी ने रिसेंट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 64 हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब प्रोमिसी जो है निग्लेक्ट करती है या फिर रिफ्यूज करती है टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज व्हेन द प्रोमिस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस, तो जब वो क्या करती है, वो प्रोमिसी जो है जिसने एक्सेप्ट किया था, तो ए यहाँ पे प्रोमिसर है और बी जो है वो प्रोमिसी है, वो अगर निग्लेक्ट करती है या फिर वो क्या करती है, वो रिफ्यूज करती है कि प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराती कि जो प्रोमिसर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाए, सेक्शन 67 पढ़ेंगे। और जब वो इलीगल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, बाद में इलीगल हो जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटीज की ट्रांजेक्शन, आप 10 किलो वो कमोडिटी प्रोवाइड करोगे, अब वो कमोडिटी इलीगल होगी, उसको ड्रग डिक्लेयर कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि नाउ इट इज नॉट लीगल टू डील विद दिस कमोडिटी, वो इलीगल बन गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज और जो ध्यान रखना है, रिसेंट का क्या मतलब है, जब आपने उसको कैंसिल कर दिया, बेसिकली आपने बोल दिया कि अब ये नो लॉन्गर वैलिड हो गया, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, जब हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने बोला था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, 2A और 2B का होना जरूरी है, सबसे पहले एक पार्टी ऑफर करेगी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उन दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी जरूरी है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जैसे कि उसकी एग्जेम्पशन हमने बात करी थी बैल्फर वर्सेस बैल्फर, हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, जहां पे एक रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी मम्मी कहती है कि तू फिक्र मत कर मैं तेरे को हार्ले डेविडसन ले दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, या फिर वो मम्मी जो है उनकी इंटेंशन थी कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करें। उसके बाद कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, प्राइस होना बहुत जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, सेक्शन 25 हमने पढ़ा हुआ है, या फिर उसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो भी हम लोगों ने कवर करी हुई है या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, फ्री कंसेंट हमने सेक्शन 14 में अच्छे से पढ़ा था जहां पे हमने बात की थी कि क्या नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मिसरेप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इनका भी डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हमने बात करी थी कि पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना ज्यादा जरूरी है, जरूरी है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, वो डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए बाय लॉ, वो माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो कि डिक्लेयर्ड है बाय लॉ एज वॉइड, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करी, कोई चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस करना इलीगल है, या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में भी बात करी कि लीगल फॉर्मेलिटीज जो है उनका भी कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये सारे हैं हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो आपने क्या बोला कि जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े तो हमने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 2H के हिसाब से एक अग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट को नॉक 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 कर सकते हो, उनका दरवाजा खटखटा सकते हो। सेक्शन 10 बात करता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने अभी डिस्कस करे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी इलीगल चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हिंदी मूवीज का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सुपारी दी थी कि किसी का मर्डर कराना है, क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट्स नहीं जा सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि डिक्लेयर्ड है बाय वॉइड, डिक्लेयर्ड है बाय लॉ एज वॉइड। उसके बाद क्या नहीं होना चाहिए, आपको क्या देखना है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनको अपना फ्री कंसेंट देना है, उनको कोर्जन, थ्रेट, फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, मिसरेप्रेजेंटेशन, मिस्टेक के अंदर आके अपना कंसेंट नहीं देना है, नहीं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, वो वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा, उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ऑल्सो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का उसका लॉ के साथ कंसिस्टेंट होना जरूरी है, उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 को जब हमने पढ़ा था। अब आपको क्या समझना है कि ये जो वर्ड नोवेशन की मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या होता है। नोवेशन का मतलब होता है जब आप रिप्लेस करते हो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, और जो सेम ऑब्लिगेशन आर परफॉर्म बाय डिफरेंट पार्टीज। तो बेसिकली जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। अंडर नोवेशन जो लाइबिलिटीज अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाती हैं। जैसे कि ए और बी के बीच में अगर हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट, तो अब आपने ए और बी ने सेम पार्टीज ने ही एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो जो पुराने वाले के अंदर लाइबिलिटीज थी वो एक्सटिंग्विश हो गई, वो भी कैंसिल हो गई, या फिर नई पार्टीज ही आ गई। तो टाइप्स ऑफ नोवेशन भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हम अच्छे से डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक बार थोड़ा सा समझना या फिर क्लैरिटी होना, इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में यहाँ नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हो, परफॉर्म कैसे कर रहे हो, या तो आप परफॉर्मेंस कर रहे हो एक्चुअल या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, सेक्शन 56 हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या फिर लैप्स ऑफ टाइम हो गया तो फिर वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सामने वाले ने धोखा दे दिया, एक्चुअल ब्रीच हो गया या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया, या फिर क्या हुआ बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट हो गया, जो कि हम पढ़ रहे हैं, नोवेशन हो गया, रिसेशन हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, रिमिशन हो गया, वेवर हो गया या मर्जर हो गया, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, सामने वाले की डेथ हो गई, और अगर वो पर्सनल स्किल की बात थी तो आप उसके LRs को भी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हो, बट अगर पर्सनल स्किल की बात नहीं थी तो उसके जो LRs हैं वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मर्जर हो गया, इनसॉल्वेंसी होगी, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन हो गया। तो ये एक जो चार्ट है इसके ऊपर मैं डिस्कशन पक्का से बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाले लेक्चर में करूंगी, बट ये बहुत जरूरी है, इसका एक प्रिंट आउट लेके अपने सामने लगा लो कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से हो सकता है, इन तरीकों से डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको एक नॉलेज होना जरूरी है, बट इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन जो है, जब हम बात कर रहे हैं कि आपने रिप्लेस कर दिया पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन है ये क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन सेक्शन 62 के अंडर कवर्ड है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट किया जा सकता है और नोवेशन इफेक्टिव होगी ओनली व्हेन देयर इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ न्यू अग्रीमेंट। अब जो लेमैन होगा, जो बंदे को लॉ की नॉलेज नहीं होगी, वो तो क्या कहेगा, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं, बट आप क्योंकि आप हो एक लॉ के स्टूडेंट, आप हो एक बच्चा जो कि लॉ पढ़ रहे हो या फिर लॉ में आपका ऑलरेडी करियर है, आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसकी क्या इक्वेशन होती है, आप लोग मुझे लिख के बताओगे मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये हम बहुत बार डील कर चुके हैं कि एक अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो कहाँ लिख के बताओगे मुझे, मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे कि अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। तो
मेयर अग्रीमेंट कि आप सब्स्टिट्यूट करोगे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप में बाइंडिंग नहीं माना जाएगा जब तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है म्यूचुअली बाय ऑल द पार्टीज। तो जब तक एक नई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करती, जो पार्टीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट नोवेट नहीं होता। तो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट वन को रिप्लेस करना है कॉन्ट्रैक्ट टू से। ओके, अग्रीमेंट को रिप्लेस नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? जब आप क्रिएट करते हो एक नए कॉन्ट्रैक्ट को, ओल्ड वन को टर्मिनेट करते हो और ओल्ड वन को परफॉर्म करने की अब जरूरत नहीं है। बेसिकली नोवेशन का क्या मतलब है? जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो पुरानी ऑब्लिगेशन से नई ऑब्लिगेशंस को, और पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटिंग्विश कर जाता है, उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो खत्म हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि नोवेशन हो गया है अंडर सेक्शन 62। तो जो नई सब्स्टिट्यूटेड अग्रीमेंट है उसको वैलिड होना जरूरी है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना जरूरी है और उसके अंदर कंसिडरेशन होना भी जरूरी है, वो दोनों पार्टीज के द्वारा म्यूचुअली एक्सेप्टेड होना भी जरूरी है। बेसिकली उसको सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, जो कि सेक्शन 10 में हम पढ़ चुके हैं, उसका कंप्लीट होना जरूरी है, उस पे टिक मार्क लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नोवेशन क्या है? जब आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करते हो एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से, इट मे बी बिटवीन द सेम पार्टीज या फिर डिफरेंट पार्टीज भी हो सकती हैं। नोवेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट कैन नॉट बी कंपल्सरी, इट कैन बी डन ओनली विद म्यूचुअल कंसेंट। तो नोवेशन जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी जबरदस्ती कर रही है दूसरी पार्टी के साथ, नहीं, ऐसे नोवेशन नहीं होता। नोवेशन दोनों की रजामंदी से ही होता है। तो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ क्या करती है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करती है और एक नए कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करती है, वो सेम पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट पार्टीज भी हो सकती है, तभी वो नोवेशन माना जाएगा। क्या जरूरी है? म्यूचुअल कंसेंट पार्टीज का होना जरूरी है। तो जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, वो सीज कर जाता है, वो खत्म कर जाता है और पार्टीज को अब नए कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना होता है। तो अगर पुरानी पार्टीज जो है, अगर जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्री करती है कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नए कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर वो रिसेंड करती है, ऑल्टर करती है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, तो उनको जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब याद करो जब मेरी सब हेडिंग थी, मेरे टॉपिक की सब हेडिंग क्या थी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। सेक्शन 62 का कहता है जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दिया है, बेसिकली एक नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सटिंग्विश कर दिया है, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना, सेक्शन 62 इस बारे में बात करता है। तो इफेक्ट क्या होगा नोवेशन का, रिसिशन का या फिर ऑल्टरेशन का, जो पार्टीज अग्री करती हैं कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगी एक नए कॉन्ट्रैक्ट को या फिर रिसेंड करेंगी या फिर ऑल्टर करेंगी, तो उनको जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो क्या समझना है? समझना ये है कि नोवेशन क्या होता है, रिसिशन क्या होता है, ऑल्टरेशन क्या होता है और वेवर क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं नोवेशन की, तो जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देती हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट को फॉर द ओल्ड वन। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली आपको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना होता है। यहाँ पे चेंज इन पार्टीज हो सकता है। रिसिशन की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो अग्री करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर देंगी, कैंसिल कर देंगी, बेसिकली जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसी को कैंसिल कर दिया है, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है रिसिशन का मतलब है इन अ वे कैंसिल कर देना, सिंपल लैंग्वेज में। ऑल्टरेशन में पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो अग्री करती हैं कि वो ऑल्टर कर देंगी टर्म्स को, तो जो ओरिजिनल टर्म्स की कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, उसको ऑल्टर कर दिया और वो रिसेंड कर देंगी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, और ये जो अमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो ये ऑल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसी को आपको परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है पार्टीज के अंदर, सिर्फ चेंज होता है टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर अग्रीमेंट की, ठीक है। वेवर क्या होता है? जब आप डेलिबरेटली अबैंडन करते हो या फिर आप गिव अप करते हो अपना कोई राइट टू विच अ पार्टी इज एंटाइटल्ड टू, जैसे कि अगर ए वॉज एंटाइटल्ड टू 10,000 रुपीज फ्रॉम बी और ए इसमें वेवर कर देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने राइट को गिव अप कर रहा है, ठीक है। तो नोवेशन में
पार्टीज जो है वो नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करती है, रिसिशन में पार्टीज जो है कैंसिल कर देती है, ऑल्टरेशन में वो टर्म्स को ऑल्टर करती हैं, यहाँ पे पार्टीज को ऑल्टर नहीं कर सकते हो, चेंज इन पार्टीज नहीं हो सकता है, बट नोवेशन में चेंज इन पार्टीज हो सकता है। वेवर में डेलिबरेट अबैंडनमेंट हो रहा है, आप गिव अप कर रहे हो अपने किसी राइट को, तो वो क्या हो रहा है, वो वेवर हो रहा है। ठीक है, तो अब कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे कि जब ए है उसका कोई पैसा है, ए owes सम मनी टू बी, उसने कुछ पैसे देने थे, एक्स अमाउंट देना था टू बी, अग्री हुआ है ए बी सी के बीच में दैट बी शैल हेंसफोर्थ एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर। तो मतलब क्या बोला, यहाँ पे बी को ए ने पैसा देना था, बट इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि यहाँ पे अब सी पैसा देगा इंस्टेड ऑफ ए, तो जो ओल्ड डेट है ए और बी का वो एंड हो गया, वो खत्म हो गया, और ये नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया सी और बी के बीच में, जहां पे सी को पैसा देना है किसको, बी को। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नोवेशन हुआ है, जहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल दिया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया नए कॉन्ट्रैक्ट से। तो किसको परफॉर्म नहीं करना है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हमें परफॉर्म नहीं करना है। अब ए जो है बी को 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बी एंड गिव्स बी अ मॉर्गेज ऑफ हिज एस्टेट फॉर 5,000 रुपीज इन प्लेस ऑफ द डेट ऑफ 10,000। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था, अब ए ने अपनी स्टेट का मॉर्गेज कर दिया, और 5,000 रुपए दे दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, नोवेशन हो गया, बेसिकली पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया नए कॉन्ट्रैक्ट से। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, नए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। ए ओ करता है बी को 1,000 रुपए, बी ओज टू सी 1,000 रुपए। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था, बी ने ऑर्डर किया ए को टू क्रेडिट सी विद 1,000 रुपीज इन हिज बुक्स, बट सी डज नॉट असेंट टू द अग्रीमेंट, बी स्टिल ओज सी 1,000 रुपए एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर। तो अब बी ने क्या बोला, बी ने बोला तू मुझे देगा, मैं सी को दूंगा, तू डायरेक्टली सी को दे दे, बट जो सी है वो अग्री नहीं करा। तो जब वो अग्री नहीं करा, और मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या जरूरी है, म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। एक पार्टी अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, और जब म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है और म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे नोवेशन नहीं हुआ, नोवेशन नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या जरूरी है समझना, क्या जरूरी है कि दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, बेसिकली मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नोवेशन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इन पार्टीज के बीच में जब तक मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा। तो दोनों पार्टीज को सेम तरीके से सेम पॉइंट पे अग्री करना जरूरी है, एक प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है इन पार्टीज के बीच में, सब्स्टिट्यूशन रिसेशन या ऑल्टरेशन का होना जरूरी है जिससे कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, और उसको आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो ये आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। लता कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर रमेश चंद्रा रमनिकल शाह, क्या केस में हुआ कि बेसिक रिक्वायरमेंट सेक्शन 62 क्या है उसको डिस्कस करा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नोवेशन जो है वो रिक्वायर करता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट का इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। तो नया कॉन्ट्रैक्ट जब आ रहा है तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, एंड ओनली इन दैट कंडीशन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो बेसिकली न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, कम्प्लीटली पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को करना है, जिससे कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। यही बात बोली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन लता कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स वर्सेज डॉक्टर रमेश चंद्रा रामनिकल शाह केस में। ठीक है, तो रामदयाल वर्सेस मजी देव जी केस में क्या बोला, कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि नोवेशन कब टेक प्लेस करता है, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो नई टर्म्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और इंट्रोड्यूस करते हो नई पार्टीज को। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आप क्या करोगे
नोवेशन के टाइप्स क्या होते हैं? नोवेशन के दो टाइप्स होते हैं, नई टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर नई पार्टीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो एक नोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वो रिक्वायर करता है कि जो पार्टीज हैं वो म्यूचुअली अग्री करें, उनके बीच में कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए, तभी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसके में एक्सटिंग्विश हो जाएगा या डिस्चार्ज कर लेंगे वो अपनी ऑब्लिगेशन को या फिर डेट को। ठीक है, तो अनलेस ये चीज अकम्प्लिश नहीं करी गई है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, तब तक क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एक नोवेशन नहीं आ पाएगी। तो देयरफॉर टेस्ट क्या है पार्टीज के बीच में, टेस्ट ये है कि क्या उनकी पार्टीज की इंटेंशन थी कि वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं या फिर नहीं, क्या उनकी इंटेंशन थी कि वो इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं। और यही चीज आपको देखनी है उनकी इंटेंशन को, उनके कंडक्ट को और उनकी इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस बातों को आपको समझना है, जिससे कि आप समझ पाओगे कि क्या नोवेशन होना चाहिए या फिर नोवेशन नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि एसेंशियल्स क्या है हमारे सेक्शन 62 के, तो बात करते हैं कि जब नोवेशन होना है तो मॉडिफिकेशन का ऐसा होना जरूरी है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की रूट तक चला जाए, उसके बेस तक चला जाए और उसके एसेंशियल कैरेक्टर को हिला दे, उसके एसेंशियल कैरेक्टर को चेंज कर दे। यही बात बोली है हमारे कैलकटा हाईकोर्ट ने इन द केस ऑफ जुगीलाल कमलापत वर्सेज NV इंटरनेशनल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, liabilities of an old firm are taken over by a new firm, तो जो पुरानी firm है वो खत्म हो गई, अब इस पुरानी firm का कोई वजूद नहीं है, कोई existence नहीं है क्योंकि एक नई firm आ गई, यहाँ पे novation हो गया। या फिर एक lease agreement की बात करो जहाँ पे जो tenant है वो lease देता है to another party and makes him responsible for the obligation and responsibilities arising from the lease agreement। ठीक है, या फिर John जो है वो 200,000 rupees owe करता है to Ram, John ने राम को 200,000 rupees देने थे, राम ने आगे डेविड को 200,000 rupees देने थे। ठीक है, अब क्या हुआ, बट अब राम ने आस्क जॉन कि भाई तू डायरेक्ट डेविड को दे दे, बट डेविड अग्री नहीं करा, ना ही उसने अपना कंसेंट दिया, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट लैकिंग था। और नोवेशन में क्या जरूरी है कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो क्या नहीं होगा, नोवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, नोवेशन दो तरीके के होते हैं, जहां पे आप जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप चेंज करते हो विद न्यू वन, या फिर आप पार्टी को ही रिप्लेस कर देते हो, तो या तो चेंज इन पार्टी होता है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की जो बट नो चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बट नो चेंज इन द पार्टीज, तो या तो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर रहे हो या फिर आप पार्टीज को ही चेंज कर रहे हो, इन दो तरीके का आपका नोवेशन होता है। जब चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टीज को आपने चेंज नहीं किया बट आपने टर्म्स को ही चेंज कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी, जैसे कि हमारे वन में कुछ टर्म्स थी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वन में टर्म्स थी, आपने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम टू, तो parties to the contract have the freedom to enter into a contract, और वो alter कर सकती हैं उसकी terms को mutual consent के साथ, consensus ad idem के साथ, जब उन दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है। तो जब दोनों parties mutually agree करती हैं कि वो change करना चाहती हैं terms of the contract को, जो कि उन्होंने previously enter करी थी, जो कि previously उन्होंने agree करी थी, तो एक नया agreement जो होता है वो जन्म लेता है, वो पैदा हो जाता है और वो बाइंडिंग होगा इन पार्टीज के बीच में, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना टर्म्स जो थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अब आपको उनको परफॉर्म नहीं करना होगा। तो जब आपको उनको परफॉर्म नहीं करना होगा तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था दैट विल नॉट नीड बी परफॉर्म, बट ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, अब आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात होगी चेंज इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, However, अगर एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे स्टेट किया गया है कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑल्टर्ड बाय वन पार्टी यूनिलैटरली, अभी तक मैं बात कर रही हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट की बात हो रही है, दोनों पार्टीज को अग्री करना जरूरी है, बट अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज ऐसा है जहां पे लिखा गया है कि टर्म्स को एक बंदा भी चेंज कर सकता है, तो ऐसा चेंज भी एक वैलिड चेंज माना जाएगा। देयरफॉर अ पार्टी कैन नॉट बाय यूनिलैटरल टर्म इंपोज कंडीशंस व्हिच वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट।
आपको ये देखना है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका बाइबल होगा, वो आपकी गीता माना जाएगा, वो आपकी कुरान मानी जाएगी। बेसिकली जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वही वो डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप रेफर करोगे। जब हमारे को हमारे रिलीजन में क्या सिखाया गया है, आप कोई भी रिलीजन के हो, यही सिखाया गया है ना कि ये जो ग्रंथ है, ये जो होली बुक्स हैं, ये हमारा सब कुछ है। अगर हमें कोई भी तकलीफ होती है तो हमें इन ग्रंथों को रेफर करना है, इन होली बुक्स को पढ़ना है, यहीं पे सारा सोल्यूशन मिल जाता है हर एक तकलीफ का। तो जब पार्टीज की बात हो रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो इनका सारा सोल्यूशन कहाँ मिलता है? आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था, और उनसे आप इनकी इंटेंशन को भी इन्फर कर सकते हो कि इनकी एक्चुअली में इंटेंशन क्या थी जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। तो आर एस अमरनाथ मेहरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या बोला? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉलिंग ऑफ अ फ्रेश रेट्स एट अ लोअर प्राइस विल नॉट अमाउंट टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इट डज नॉट मीन कि हर एक टर्म और कंडीशन को आप एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। नहीं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ही रहेंगी, वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएंगी। सिमिलरली रामजी दयावाल वाला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट के केस में क्या बोला एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं और उन सारे पार्ट्स में पार्टीज का असेंट होना जरूरी है, मतलब उनका म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, उनको सेम चीज को सेम सेंस में समझना जरूरी है, कंसेंसस एड इडम होना बहुत जरूरी है जब एक कॉन्ट्रैक्ट के खूब सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको आप ये नहीं बोलोगे कि वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम ये इन्फर करेंगे कि उनका सारी चीजों में कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का नोवेशन जब हम पढ़ते हैं, जब हम काइंड्स ऑफ नोवेशन पढ़ रहे हैं, तो दूसरे प्रकार का नोवेशन क्या होता है, जहां पे आप पार्टीज को, जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हीं में बदलाव कर देते हो। तो नोवेशन के अग्रीमेंट में ये भी पॉसिबल है कि या तो आप टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करो या फिर आप रिप्लेस कर दो वन पार्टी टू अनदर पार्टी। जैसे कि अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपने ए और सी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बी की जगह आपने सी को रिप्लेस कर दिया, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन फॉर वन पार्टी इन प्लेस ऑफ अनदर पार्टी, तो यहाँ पे जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अब इसको आपको परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना होगा। तो क्या समझने की बात है कि चेंज इन पार्टीज भी हो सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और उसको भी हम नोवेशन कहते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो नई पार्टी है वो सारी की सारी ऑब्लिगेशंस ले लेगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगी, और जो पुरानी पार्टी है अब उसको किसी भी फ्यूचर डैमेजेस के लिए आप लायबल नहीं ठहराओगे। जैसे कि यहाँ पे ए ने बी को कुछ पैसे देने थे और बी ने सी को पैसे देने थे, मैं 1000 रुपए ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब बी ने क्या बोला कि भाई तू ए तू डायरेक्टली सी को पैसे दे दे, और सी ने भी यस बोल दिया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और सी के बीच में, तो अब बी विल नॉट बी हेल्ड लायबल, बी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी फ्यूचर डैमेजेस, बिकॉज नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन नोवेटेड बाय अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया है इन पार्टीज के द्वारा, और ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है। तो फॉर इंस्टेंस अगर ए और बी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और ए अग्री करता है कि वो रिप्लेस कर देगा टू रिप्लेस सी इन बीज प्लेस, देन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी विल सीज। तो अगर ए और बी पार्टीज थे और ए अग्री करता है कि बी की जगह हम सी को ले आते हैं, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो कि सब्स्टिट्यूट करा गया है वही इन प्लेस होगा, और उसी को आपको परफॉर्म करना होगा, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो गोदन नंबूथिरी पड वर्सेस केरला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के केस में क्या बोला गया, जो रिस्पोंडेंट केरला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने एक लोन सैंक्शन किया था गोपीनाथ को जिससे कि वो परचेज कर सके एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच वॉज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बेसिकली गोपीनाथ को जब उन्होंने लोन दिया तो वो गोपीनाथ को वापस करना था इंस्टॉलमेंट्स में जिससे कि गोपीनाथ एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को परचेज कर सके। ही डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट एंड एज अ रिजल्ट जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने इस व्हीकल का कब्जा ले लिया। आफ्टर दैट एपेलेंट एग्जीक्यूटेड एन इक्विटेबल मॉर्गेज कंफर्म टू रिपे द बैलेंस अमाउंट। कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक नोवेशन बन गया क्योंकि एपेलेंट्स जो है उन्होंने लाइबिलिटी ले ली कि वो सारे के सारे ड्यूज पे करेंगे, और ओरिजिनल डेटर जो गोपीनाथ मेनन थे अब वो डेटर नहीं रहे क्योंकि अब वो जो एपेलेंट्स हैं वो पिक्चर में आ गए, जिन्होंने क्या बोला है कि वो एक इक्विटेबल मॉर्गेज को करेंगे और बैलेंस अमाउंट को रीपे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोवेशन हो गया जहाँ पे पार्टी ही चेंज हो गई, चेंज इन पार्टीज हो गई।
डिफरेंस क्या है नोवेशन के बीच में और असाइनमेंट के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसीलिए हम इसको एक टेबल के फॉर्म से समझते हैं। तो नोवेशन में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो कि पार्टीज के बीच में होती हैं अराइजिंग अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो नोवेशन में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगे हमें उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। बट असाइनमेंट में ओनली सम राइट्स आर ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, असाइनमेंट में सारी की सारी फ्रेश टर्म्स नहीं होती हैं, सिर्फ कुछ राइट्स को आप ट्रांसफर करते हो एक थर्ड पार्टीज के बीच में। नोवेशन में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाता है और अब आपको उसको परफॉर्म नहीं करना होता, अब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके लिए पार्टीज बाउंड होंगी कि वो परफॉर्म करेंगी। असाइनमेंट में क्या होता है, ओरिजिनल अग्रीमेंट वो अपने आप में एक्सटिंग्विश नहीं होता और पार्टीज विल रिमेन बाउंड कि उनको उनकी जो ऑब्लिगेशन थी अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो नोवेशन और असाइनमेंट के बीच में ये डिफरेंस आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ना है। अब क्या हुआ, रतनलाल सन ऑफ पन्नालाल जी वर्सेस फर्म मंगीलाल मथुरालाल, इस केस में क्या ऑब्जर्व करा गया, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इफ देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर नोवेशन एंड द अर्लियर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और द अर्लियर कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, द नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टिल कुड कंटिन्यू टू बी इलीगल इमोरल एंड कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि वो इन्फोर्स करें इसको। तो अगर एक डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट और पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, पुराना कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था या फिर कोलैटरल था उसका जिसमें कुछ इलीगैलिटी थी और अब जो ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है ये भी अभी भी इलीगल है या फिर इमोरल है, तो कोर्ट क्या कह सकता है, कोर्ट कह सकता है नो आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर लॉ इसको इन्फोर्स करने की हमें परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो क्या देखना है, कब नो नोवेशन माना जाएगा, व्हेन इज इट नो नोवेशन। तो अगर रिक्विजिट कंडीशंस जो हमारी नोवेशन की हमने उनको पढ़ी हैं अगर वो सैटिस्फाई नहीं होती, सेक्शन 62 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं अगर वो सैटिस्फाई नहीं होती तो ये अपने आप में नोवेशन नहीं माना जाएगा। केरला हाईकोर्ट ने क्या बोला, गोडन नाम्बूतिरी अप्पड़ वर्सेस केरला फाइनेंशियल के केस में क्या बोला कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं नोवेशन के कि आपको रिप्लेस करना है सब्स्टिट्यूट करना है नए कॉन्ट्रैक्ट से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, और उसी के कारण जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रिलिंक्विश हो जाएंगे, वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे और जो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जन्म ले लेगा, तभी आप मानोगे कि नोवेशन होता है। बट अगर ये एसेंशियल फीचर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अगर ये मिसिंग है, अगर इसमें से एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो वो नो नोवेशन होगा, वो एक्चुअली में नोवेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या समझना है, यूनिलैटरल एक्ट ऑफ वन पार्टी, अगर एक पार्टी अपनी मर्जी से अपनी मन मर्जी से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करती है तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने बात करी है एक एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा है क्या कि म्यूचुअल कंसेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेंसस एडिडम का होना जरूरी है। तो सिटी बैंक NA वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब आप नोवेशन की बात करते हो, रिसेशन की बात करते हो, ऑल्ट्रेशन की बात करते हो तो सेक्शन 62 क्या बोलता है कि दोनों पार्टीज को अग्री करना है कि वो सब्स्टिट्यूट करेंगी और नोवेट करेंगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगी, ऑल्टर करेंगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जिससे कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो पाए। तो क्या जरूरी है, कंसेंसस एड ईडम या फिर म्यूचुअल कंसेंट का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो सेक्शन 62 को, नोवेशन को, रिसेशन को, ऑल्ट्रेशन को, इसमें म्यूचुअल कंसेंट का होना मैंडेटरी है, इट इज अ साइन क्वा नॉन, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, ऑल्ट्रेशन हो रहा है, वो बायलैटरली होना चाहिए, दोनों की तरफ से होना चाहिए। तो पॉलीमैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स में क्या बोला गया कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं कैन नॉट बी वेरीड विदाउट म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। तो दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट होना जरूरी है, दोनों पार्टीज की रजामंदी होनी जरूरी है, एक पार्टी की मन मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो क्या जरूरी है कि दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट हो, दोनों पार्टीज अग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, तभी आप नोवेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, रिसेशन कर सकते हो या फिर ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। यूनिलैटरल नहीं कर सकते, बायलैटरल ही कर सकते हो। ठीक है, ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट को अग्री करना है नई टर्म्स पे जो कि सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की हैं, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट करना चाहती है।
नोवेशन अपने आप में इनइफेक्टिव माना जाएगा अगर जो पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन करना चाहती है, रिसेंट करना चाहती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहती है। तो जब हमने पढ़ा था कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो क्या करें, इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो जरूरी है कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करना चाहती है। जब तक पार्टीज की इंटेंशन नहीं है तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानोगे जो कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है जो कि आपने सब्स्टिट्यूशन ऑल्टरेशन रिसेंट से करा है, जब तक उनकी क्या नहीं है, इंटेंशन नहीं है। तो इंटेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टी एस दुरुस्वामी अय्यर एंड अदर्स वर्सेस कृष्ण अय्यर में क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला, ऑब्जर्व करा कि जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट का तो विद अनदर, तो डिपेंड करता है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, उसी के बेसिस पे हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन किसने करी, कैलकटा इंश्योरेंस मद्रास वर्सेस तिरुमल्लाई एनिमल एंड अदर्स केस एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस तिरुमल्लाई अनमल एंड अदर्स केस, इस केस में भी ऐसी ही बात करी गई कि इंटेंशन क्या है पार्टीज की, उसका समझना बहुत जरूरी है। क्या उनकी इंटेंशन थी कि वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं, ऑल्टरेशन चाहते हैं, नोवेशन चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, रिसेशन चाहते हैं या फिर नहीं थी, तो इसका समझना बहुत जरूरी है जब हम बात करें किसी भी सेक्शन 62 के कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो अब समझते हैं, जब हमने समझ लिया कि नोवेशन का क्या मतलब होता है, अब हमें समझना है कि रिसेशन का क्या मतलब होता है। रिसेंट का मतलब है कि आप कैंसिल कर रहे हो या फिर रिवोक कर रहे हो। रिसेशन का मतलब है जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो कैंसिल कर रही है, टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को कर रही है। तो पार्टीज जो है लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा और तू मुझे कुछ कोट्स देगी, ठीक है। अब इन्होंने म्यूचुअली अग्री करा और इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। तो सेक्शन 68 क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि आप इस रिसेशन को कर सकते हो, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो और आपके जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। बट क्या जरूरी है कि ये बायलैटरल होना चाहिए, मतलब ये मन मर्जी से नहीं हो सकता, किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं हो सकता, इसका यूनिलैटरल नहीं हो सकता, ये बायलैटरल होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है दोनों पार्टीज के बीच में। तो रिसेशन क्या कहते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो उसकी डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले दोनों पार्टीज अग्री करती हैं कि अब वो नहीं चाहती इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। ऐसा अग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट होता है एक रिसेशन, जहां पे वो अग्री करती हैं कि हम एक दूसरे को बाइज्जत बरी करते हैं, हम एक दूसरे को छोड़ते हैं, अब अबे मुझे तुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ना कोई गिला शिकवा है, ना कोई डैमेजेस, ना कोई कॉम्पनसेशन, ना कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर सिंपली रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वी आर सिंपली रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को खाली कर रहे हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू अग्री विद ईच अदर ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट थिंग एंड हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस किशोरीलाल गुप्ता एंड अदर ब्रदर्स के केस में क्या हुआ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 62 के बारे में है उसमें एक रिसेशन हो सकता है बट ओनली आफ्टर देर हैज बीन अ ब्रीच, ठीक है। तो रिसेशन और नोवेशन में क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं वो अग्री करती हैं कि वो कैंसिल कर देंगी कॉन्ट्रैक्ट को, टर्मिनेट कर देंगी। बट नोवेशन में क्या होता है, जब वो सब्स्टिट्यूट करते हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट को पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, और ये सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से हो सकता है जो हम पढ़ चुके हैं, या तो टर्म्स में या तो पार्टीज के बीच में, या तो चेंज है टर्म्स के अंदर या तो पार्टीज के बीच में, ठीक है। तो अब जब आपने समझ लिया कि नोवेशन क्या है, रिसेशन क्या है, अब समझते हैं ऑल्टरेशन क्या है। ऑल्टरेशन होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब जो पार्टीज हैं वो म्यूचुअली अग्री करती हैं कि हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को, और दोनों पार्टीज अग्री करती हैं। तो जब पार्टीज ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, आप उसके बाद उनकी टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट के साथ अग्री करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर उनको चेंज करना है डेट ऑफ प्लेस या फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां पे सेल ऑफ गुड्स की बात है, तो उसको यूनिलैटरली कोई नहीं बदल सकता है, बायलैटरली दोनों मिलके एक साथ बैठ के कंसेंसस एट ईडम के साथ, जहां पे दोनों के दिमाग के तार मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तभी वो क्या कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक ऑल्टरेशन यूजुअली एक रिटन अग्रीमेंट के फॉर्म में होता है, जहां पे आप डिस्चार्ज कर देते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो डिस्चार्ज में क्या जरूरी है
कि मटेरियल होना चाहिए, इंटेंशनली होना चाहिए, पार्टीज जो है अग्रीमेंट की वो खुद से करती हैं या फिर ऑथराइज एजेंट के साथ करती हैं या फिर वो क्या करती हैं कंसेंट के साथ होना जरूरी है। दोनों की इंटेंशन होना चाहिए कि वो कुछ ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तभी हम मानेंगे कि ये एक वैलिड ऑल्टरेशन है। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस MKJ कोऑपरेशन लिमिटेड के केस में एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला, मटेरियल ऑल्टरेशंस होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट क्या जरूरी है कि ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो। अनटिल एंड अनलेस ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ है, ये अपने आप में ऑल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। वी कामेश्वर राव एंड अदर्स वर्सेस एम हेमलता मराव केस में कोर्ट ने क्या बोला, एक मटेरियल ऑल्टरेशन है is one that varies the rights and liabilities of the party, और उसको असर्टन कैसे करोगे कि उसका क्या लीगल इफेक्ट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ओरिजिनली जो कि एक्सप्रेस किया गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं नोवेशन और ऑल्टरेशन के बीच में। नोवेशन के अंदर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो चेंज, बट ऑल्टरेशन में पार्टीज सेम रहती हैं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस बदल सकती हैं। नोवेशन में जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हो एक नए कॉन्ट्रैक्ट से। ऑल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन हो रही है, ऑल्टरेशन हो रही है। एक चीज जो और ध्यान रखनी है, नोवेशन के अंदर जो आपका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं करना, और ऑल्टरेशन के अंदर क्या हो रहा है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नया कॉन्ट्रैक्ट वही है, बस कुछ टर्म्स को ऑल्टर किया जा रहा है। क्या देखना है, अगर आप एक नोवेशन का अग्रीमेंट करोगे अपने करियर में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कंटेंट्स कैसे होने चाहिए उस नोवेशन के अग्रीमेंट के, उसके अंदर डेफिनेशन होनी चाहिए, पार्टीज का नाम होना चाहिए, रिसाइटल्स होने चाहिए, उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होना चाहिए, थर्ड पार्टी के क्या राइट्स होंगे वो करने चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उनको मेंशन करना जरूरी है। इफेक्ट क्या होगा एक नोवेशन अग्रीमेंट का, फीस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगी, कौन सा लॉ गवर्न करेगा, ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगी और काउंटर पार्ट्स क्या होंगे, इन सब का होना जरूरी है एक नोवेशन अग्रीमेंट में। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ अ नोवेशन अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं जो है सेक्शन नंबर 63। 62 को कंप्लीट करने के बाद वी विल गो टू 63, जहां पे प्रॉमिसी में डिस्पेंस विद या फिर रिमिट कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो हर एक प्रॉमिसी जो है उसके पास एक राइट है कि वो बोल सकता है, डिस्पेंस विद कर सकता है, रिमिट कर सकता है, या तो कुछ पार्ट या फिर होली कि परफॉर्मेंस मत करो टू हिम और एक्सटेंड द टाइम ऑफ सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ सच एनी सेटिस्फैक्शन ही थिंक्स विद। तो अगर इतना काम करना था तो वो बोल सकता है पूरा का पूरा काम मत करो, ठीक है सिर्फ इतना काम कर दो, या फिर इसका टाइम पीरियड भी एक्सटेंड कर सकता है। प्रॉमिसी के पास ये ऑप्शन है एज पर सेक्शन 63। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, बी आफ्टर विच फॉरबिड्स हिम टू डू सो। नाउ अब ए ने बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ पिक्चर पेंट करोगे फॉर बी, ठीक है, बाद में बी ने बोल दिया भाई साहब कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आके ये पिक्चर पेंट करने की, तो अब ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। इलस्ट्रेशन बी क्या कहती है, ए ने बी को 5,000 रुपए देने थे, ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल 2,000 रुपए। ए कहता है भाई मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, 2,000 रुपए ले ले, तो वो कहता है चल कोई नहीं जितना आया वो ही ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया है कुछ पैसे लेके। तो प्रॉमिसी के पास क्या पावर है सेक्शन 63 के अंदर कि वो कुछ पैसे लेके पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी सेटिस्फाई कर सकता है। ए ओ करता है बी को 5,000 रुपए, ठीक है, सी पेज टू बी 1,000 रुपए एंड बी एक्सेप्ट देम इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल क्लेम। अब ए कहता है कि मेरे पास तो है नहीं, मेरा भाई है वो तेरे को कुछ पैसे दे देगा, प्लीज वो ले ले। सी ने उसको 1,000 रुपए दिए और उसने बोला चल पूरा का पूरा क्लेम डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे भी सेक्शन 63 का इस्तेमाल हुआ है। डी में ए ओज बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सम सम ऑफ मनी, जो कि अमाउंट को असर्टन नहीं किया गया। ए ने विदाउट असर्टनिंग द अमाउंट गिव्स टू बी एंड बी ने सेटिस्फैक्शन में एक्सेप्ट कर लिए 2,000 रुपए। यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो गया है बाय व्हाटएवर अमाउंट इट मे बी, जो कि उस बंदे ने जो प्रॉमिसी है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ए जो है वो करता है बी को 2,000 रुपए एंड इज ऑल्सो इंडेटेड टू अदर क्रेडिटर्स, बाकियों को भी है। एक अरेंजमेंट करता है जहां पे वो सारे क्रेडिटर्स के साथ बात करता है कि वो कॉम्पोजिशन में टू पे देम कॉम्पोजिशन ऑफ 8 annas इन द रुपी अपॉन देयर रिस्पेक्टिव डिमांड्स, पेमेंट टू बी ऑफ 1,000 इज मेड ऑन बीज डिमांड।
तो क्या हुआ, जहां पे प्रोमिसी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि कुछ पार्ट कर ले या फिर कुछ भी पार्ट मत कर, तो वो भी एक वैलिड माना जाएगा और बाकी परफॉर्म को, बाकी कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 64 क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रिसेशन के ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे ऑप्शन होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में कि एक बंदा रिसेंड कर सकता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, द अदर पार्टी को जरूरत नहीं है कि कोई भी परफॉर्मेंस करे जो कि उस प्रॉमिस के अंदर लिखी गई थी, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई थी। तो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जहां पे एक पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, और अगर उसने उसको अवॉइड कर दिया, उसने उसको रिसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो दूसरी पार्टी को अब कुछ भी परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 64, जो पार्टी रिसेंड कर रही है एक अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को, शैल If he has received कोई भी benefit under that, तो उसको restore करना पड़ेगा ऐसे benefit को, या फिर उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे जो भी उसको इस contract के अंदर मिले हैं। Section 65 क्या कहता है, obligation उस party की जिसने कोई भी unfair advantage लिया है या फिर कोई भी advantage लिया है एक void agreement के बीच में, या फिर एक ऐसे contract में जहाँ पे वो void बन गया बाद में। तो जहाँ पे एक agreement है जो कि आपने discover कर लिया है कि वो void है, या फिर वो subsequently जाके void बन जाता है, और आपको उस agreement में, उस contract के अंदर कोई मिला था फायदा, कोई आपने advantage लिया था, तो आपको restore करना है वो सब कुछ, या फिर आपको compensation देना है। तो जैसे कि अगर आपने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया बट डोमिनोज वाला आपके घर पिज्जा दे गया, तो आपको बाद में उसको पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू पे हिम लेटर, क्योंकि आपने कोई एडवांटेज उठाया है, आप फ्री में खाना नहीं खा सकते हो, यू विल हैव टू पे हिम दैट मनी। ए ने पे करे बी को 1000 रुपए इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रोमिस टू मैरी सी एज डॉटर, बाद में पता चला कि सी तो डेड है एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, तो ये अग्रीमेंट जो है ये वॉइड हो गया, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट है टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग, ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग गया, अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल थिंग इज वॉइड, बट वी मस्ट रीपे द 1000 रुपीज जो उसने उसको दिए थे। तो कोई भी अगर एडवांटेज मिली थी तो आपको उसको रिस्टोर करना है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि डिलीवर हिम 250 mons ऑफ राइस बिफोर 1st of May। ए ने डिलीवर करा 130 mons ओनली बिफोर दैट डे एंड नन आफ्टर दैट। बी ने रिटेन कर लिया वो 130 आफ्टर द फर्स्ट में, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम, जो भी चीज उसने रिटेन करी है उसको उसका पैसा देना पड़ेगा जब तक उसने उसका कोई एडवांटेज लिया है। ठीक है, ए एक सिंगर है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर कि वो सिंगर जो है वो आके वहां पे परफॉर्म करेगा फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। 6th night पे जाके ए ने विलफुली एब्सेंट कर लिया अपने आप को थिएटर से, एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिसिंस द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी को कितना पे करना पड़ेगा, 5 nights के पैसे देने पड़ेंगे जहां पे उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसने अपने स्किल का एक्सरसाइज किया था और वहां पे जाके परफॉर्मेंस दी थी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सिंग फॉर बी एट अ कंसर्ट फॉर 1000 rupees व्हिच आर पेड इन एडवांस। ए बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और वो गाना गा नहीं पाता। ए को इज नॉट बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट विच बी कुड हैव मेड अगर वो सिंग करता, बट उसको क्या करना होगा, उसको रिफंड करना पड़ेगा वो पैसा। हो सकता है वो कहता कि अगर तू मेरे यहाँ पे आके सिंग करता तो मेरी इतने रुपए की सेल हो जाती, वो लॉस के लिए उसको कॉम्पनसेशन नहीं करनी है, बट जो उसने पैसा लिया है वो उसको उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 66 क्या कहता है कि मोड क्या होगा आपका कम्युनिकेशन का या फिर रेवोकेशन का ऑफ रिसेशन का जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपको कम्युनिकेट करना है या फिर रिवोक करना है उसी मैनर में जैसे कि आपने कम्युनिकेशन किया था या फिर रेवोकेशन किया था एक प्रपोजल का, जो हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो, या फिर आप लोग दोबारा जाके मेरे लेक्चर्स को, इनिशियल लेक्चर्स को देख भी सकते हो जहां पे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के हमने मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसी मोड में आपको इसको करना है। सेक्शन 67 जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि जब आपको क्या करना है, आपका इफेक्ट क्या होगा अगर कोई बंदा निग्लेक्ट कर जाता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने को टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। तो अगर प्रॉमिसी निग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है टू अफोर्ड द प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज उसको परफॉर्म करने के लिए देनी थी प्रॉमिसर को बट वो नहीं देता, तो प्रॉमिसर इज एक्सक्यूज बाय सच निग्लेक्ट या फिर रिफ्यूजल टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज देयर बाय। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि वो बी टू रिपेयर बीज हाउस,
बी ने निग्लेक्ट कर दिया या फिर रिफ्यूज कर दिया टू पॉइंट आउट टू ए प्लेसेस इन विच द हाउस नीड्स रिक्वायर्स। अब उसको क्या पता कि उसके घर में कहाँ कहाँ पे रिपेयर की जरूरत है, तो ए बच जाएगा फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो उसके निग्लेक्ट या फिर रिफ्यूजल के कारण हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा पूरा सेशन जहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी परफॉर्मेंस नहीं करनी है, नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। तो आप लोगों ने आज के इस सेशन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सेक्शन 62 पढ़ा, जहां पे हमने क्या पढ़ा कि नोवेशन क्या होता है, जब आप क्या करते हो सब्स्टिट्यूट करते हो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को या फिर न्यू पार्टीज को, ठीक है, न्यू पार्टीज को या फिर न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो क्या होता है, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है और अब नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है, आप यूनिलैटरली नहीं कर सकते। नोवेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिसिशन, जहाँ पे आप क्या कर देते हो कैंसल ही कर देते हो, कैंसल कर दिया आपने, टर्मिनेट कर दिया, तो अब आपको क्या नहीं करना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, ये भी म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑल्टरेशन, जहां पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑल्टर करते हो, मॉडिफाई करते हो, बट नो चेंज इन पार्टीज, नो चेंज इन पार्टीज, ठीक है, ये भी म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा हो रहा है, सब में म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है। सेक्शन 62 में हमने ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 63 में अगर जो प्रॉमिसी है वो क्या कहता है कि मुझे या तो होल या तो पार्ट मैं डिस्पेंस कर देता हूँ, डिस्पेंस या फिर मत करो या फिर रिमिट कर देता हूँ इसकी परफॉर्मेंस, तो आपको जो बची हुई चीज है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करने की जरूरत। सेक्शन 64 में हमने क्या पढ़ा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था और उसको वॉइड कर लिया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जो प्रोमिसर है प्रोमिसर को क्या नहीं करना पड़ेगा, नीड नॉट परफॉर्म, ओके। सेक्शन 65 में हमने क्या पढ़ा, ऑब्लिगेशन क्या होगी जब आपने कोई एडवांटेज ली है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वॉइड बाद में बन गया, तो आपको इस एडवांटेज को रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 66 में हमने क्या पढ़ा कि मोड क्या होगा कम्युनिकेशन का, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, वही होगा जो आपके एक्सेप्टेंस और ऑफर का था, सेक्शन 3 एंड 4 को आपको इसमें रेड विथ करना है। फिर हमने क्या पढ़ा सेक्शन 67 में कि अगर जो प्रॉमिसी है वो रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता तो क्या होगा, तो जो प्रोमिसर है वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो डिस्पेंस विद हो जाएगा, उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी कि भाई तू परफॉर्म कर। तो ये था आज का पूरा पोर्शन जहां पे जाके हम लोगों ने चैप्टर नंबर फोर जो कि परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि नोवेशन रिसेशन ऑल्टरेशन ये पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि बड़ा मजा आता है कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफाई कर रहे हो, केस लॉ स्क्वायर मच के मजा आता है, और क्या समझने में मजा आता है कि इंटेंशन कितना ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। इंटेंशन हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, अगर आईपीसी याद हो, अगर आप लोगों ने मेरे साथ आईपीसी पढ़ा है या फिर कॉलेज में पढ़ के आए हो, तो हमेशा मैं बोलती रहती थी मिलिशियस इंटेंट, गिल्टी माइंड मेरा, ठीक है। तो आपका मिलिशियस इंटेंट क्या था, गिल्टी माइंड क्या था, एनिमस मैलिस क्या था। इंटेंशन क्रिमिनल लॉ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सिविल लॉ में भी इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, क्या वो एक लीगल ऑब्लिगेशन में जाना चाहते थे, क्या वो एक लीगल इफेक्ट लाना चाहते थे इस कॉन्ट्रैक्ट का या फिर नहीं। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड कर चुके हो, लॉ सिलेक्ट करोगे और जाके सिलेक्ट करोगे फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां जाके आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, BPPs भी देख सकते हो और क्लास नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हो। आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे लॉ वाला की साइड से। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, एंड अपने इस लीगल करियर की जर्नी को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करते रहें, मेहनत करते रहें और सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।